टिमरी में पधारे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च की गई जन कल्याण योजना। दुनिया में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेटा बेटी की कोख में आने से लेकर उनके पढ़ने तक और लोगों के अंतिम संस्कार तक का पैसा सरकार दे, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर हमने ऐसा कर दिखाया। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के लाभ का वितरण कार्यक्रम में कही। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा हरदा के टिमरनी में 93 करोड़ 12 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम ने कन्या पूजन के साथ किया। श्री चौहान ने कहा कि श्रमिकों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। मैं आज यह ऐलान कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी व्यक्ति बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा। हर बेघर को रहने की छत उपलब्ध कराई जाएगी। मेरे प्यारे भांजा भांजियों, ध्यान से सुनो, खूब पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो। फीस की वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी, तुम्हारी फीस तुम्हारा मामा भरेगा। हर साल हम 10 लाख मकान बनवा कर गरीबों को देंगे। 4 साल में 40 लाख मकान बनवाएंगे। जमीन कम पड़ी तो शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर घर देंगे, लेकिन प्रदेश में किसी को बेघर नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल के तहत जुलाई अगस्त में शिविर लगाकर गरीबों के बिजली के पुराने बिल माफ किए जाएंगे। इसके बाद 200 रुपये प्रति माह की दर से फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा हरदा के टिमरनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया। सीएम यहां विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित करने आए। इस दौरान हजारों की संख्या में महिला और नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री एवं प्रभारी मंत्री जालम सिंह पटेल, पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल, सांसद ज्योति धुर्वे, विधायक संजय शाह आदि सहित कई बड़े संख्या में जनप्रतिनिधि और कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर नवीन गौर के साथ हरदा आज की आवाज़।